नमस्कार बच्चों, आप सभी को नारायणा अमेजिंग असाइनमेंट में स्वागत है। आज का हमारा विषय बेटा लिंग क्या है। लिंग हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, आपको मालूम है। आज यहाँ क्या करना है, लिंग बदल कर लिखिए, यानी अगर से वह शब्द पुल्लिंग में है तो उसे स्त्रीलिंग शब्द बनाना, यानी स्त्रीलिंग शब्द का रूप लिखना है। अगर स्त्रीलिंग में दिया हुआ है तो पुल्लिंग शब्द लिखना है। चलो देखिए, पहले शब्द पढ़ूंगा, छात्रा, पंडित, शेरनी, अध्यापिका। ओके बेटा, तो यहाँ पर छात्रा नॉर्मली कक्षा में छात्र बैठे हैं, छात्र नॉर्मल रूप से लेते हैं। अरे पर्टिकुलरली अगर से लड़कियों के बारे में बात किए तो क्या होता है, छात्रा। क्या है, छात्रा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या होता है, छात्र। क्या बेटा, छात्र। छात्रा का छात्र। पंडित, पंडित का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, पंडितायन। क्या कहते हैं, पंडितायन। पंडित, पंडितायन। देखिए शेरनी, शेरनी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग में क्या कहते हैं, शेर। अध्यापिका, अध्यापिका का अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग में अध्यापक। क्या है, अध्यापक। अध्यापक देखिए दो दो शब्द लिखिए जो सदैव पुल्लिंग होते हैं और सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव पुल्लिंग में दो शब्द कोई भी लिखिए। क्या है, गाय का दूध कहते हैं, दूध, दूध हमेशा क्या है, पुल्लिंग में आएंगे, दूध। ओके, पहाड़, पहाड़ हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग में होता है, पहाड़। ओके, सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में हम हर दिन देखते हैं किताब, मेरी किताब, है ना, किताब हमेशा क्या है, स्त्रीलिंग में होता है, किताब, किताब सदैव स्त्रीलिंग शब्द है। और कुर्सी, कुर्सी, कुर्सी भी क्या है बेटा, सदैव स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, इस तरह से हम लिंग बदल कर लिखे हैं और जो सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं इसकी भी चर्चा किए है बेटा। इस तरह से आज का जो असाइनमेंट पूर्ति किए है और अगले असाइनमेंट में दूसरे विषय के साथ आपके सामने आऊंगा। जब तक धन्यवाद बच्चों।